बिलोनिया के वामपंथी छात्र युवा संगठन द्वारा शुरू की गई अग्निपथ परियोजना पर विरोध जुलूस और बैठक। माकपा बिलोनिया संभाग कार्यालय से शनिवार शाम 6:30 बजे एक विरोध रैली आयोजित की गई थी, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार 4 साल के लिए सेना में एक अस्थायी सेना भर्ती परियोजना को रद्द कर दे। देशभक्त लोगों से आगे आने का आग्रह किया गया ताकि वो देश को बचा सके। जुलूस पुराने मोटर स्टैंड से गुजरा, फिर से बैंक रोड से होकर छात्र युवा भवन के सामने समाप्त हुआ, जहां बैठक हुई। वामपंथी नेताओं ने बैठक में चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के जन विरोधी फैसले का करा विरोध किया। भर्ती में निजीकरण के खिलाफ मुखर होने के साथ साथ उन्होंने ऐसे राष्ट्र विरोधी फैसलों के विरोध में आने वाले दिनों में सभी से लड़ाई आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। पलाश भौमिक स्टेट कमेटी ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मधुसूदन दत्त, बिलोनिया मंडल समिति के सचिव सुब्रत दास, अध्यक्ष नेतृत्व और जन संगठनों के कार्यकर्ता समर्थक समेत वामपंथी 4 संगठनों के नेता और कर्मी उपस्थित थे। युव संगठन आह्वाने एक प्रतिबादी मिचिल शेष करे आमरा एखाने संक्षिप्त सभाय मिलित होयेछि। इतिमध्ये आमरा सबाई जानी जे नरेंद्र मोदी एवं अमित शाहर नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकारेर अग्निपथ प्रकल्प निये आज के गोटा भारतवर्ष अग्निगर्भ अवस्था। कि से अग्निपथ प्रकल्प भारतवर्षर केंद्रीय सरकार तारा सिद्धांत ग्रहण करेछे जे एखन थेके सेना बाहिनीते 4 बछरेर जन्नो ठिका प्रथाय भारतीय सेनाते लोक नियोग करा हबे। भारतवर्षर केंद्रीय सरकार गत 14 जून तारा विज्ञप्ति जारी करे जानिएछे जे आमादेर भारतीय सेनार जे 3टी स्तम्भ नौसेना, वायुसेना एवं स्थलसेना, एई 3टी स्तम्भे 46,000 सेनाबाहिनीके नियोग करा हबे, जादेर मेयाद हबे मात्र 4 बछर। 4 बछर पर तारा सेनाबाहिनी थेके छाटाई होये जाबेन, तादेर काजेर कोनो निश्चयता थाकबे ना। आमरा मने करी जे एई प्रकल्प आमादेर देशेर स्वार्थेर परिपन्थी एवं आमादेर देशेर सार्वभौमत्वेर परिपन्थी। भारतवर्षेर सेनाबाहिनी एटा होच्छे आमादेर गर्वेर बाहिनी। भारतीय सेनार जे ऐतिह्य, नीति, नैतिकता, मूल्यबोध सब किछुके आजके एकटा ध्वंसेर किनारा एने दाँड करिये देवा होयेछे। एटा खुबई आश्चर्येर, विस्मयकर एवं हताशाजनक जे भारतीय सेनाबाहिनीर मतो एकटा गर्वेर बाहिनीतेओ आजके नरेंद्र मोदीर नेतृत्वाधीन बीजेपि सरकार तारा ठिका प्रथाय 4 बछरेर जन्य सेनाबाहिनीते लोक नियोग करार जन्य सिद्धान्त ग्रहण करछे। आमरा सबाई जानि जे मोदीर एकटा जनप्रिय स्लोगान होच्छे, बीजेपिर एकटा जनप्रिय स्लोगान होच्छे मोदी है तो मुमकिन है। आमरा आजके हारे हारे टेर पाच्छि जे जदि भारतवर्षे नरेंद्र मोदीर नेतृत्वे ए बीजेपी सरकार थाके ताहले आमादेर देशेर सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, आमादेर देशेर सुरक्षा सब किछुई आजके ध्वंसेर मुखे एसे दाड़िये जाबे। परिष्कार होच्छे आजके गोटा भारतवर्षेर युवरा एई जे भारतवर्षेर केंद्रीय सरकारेर देश बिरोधी सिद्धान्त तार बिरुद्धे प्रतिबादे सुच्चार होच्छेन। আমরা লক্ষ্য করেছি এই অগ্নিপথ প্রকল্পের মধ্যে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সুবাদে এবং রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পর ভারতীয় সেনা জওয়ানরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা পাবে না। এমনকি প্রাক্তন সেনা হিসাবে তাদেরকে চিহ্নিত করা যাবে না, কোনো ধরনের পেনশনের সুযোগ তারা পাবে না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে 4 বছর চাকরি করার পর তাদের কি ভূমিকা থাকবে এবং এই 4 বছরের মধ্যে প্রথম 6 মাস অতিক্রম হবে শুধুমাত্র ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের প্রাক্তন যারা সেনা আধিকারিক তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই সেনাবাহিনীর কাজে থিতু হওয়ার জন্য একজন সৈনিককে কমপক্ষে 8 বছর সময় লাগে, আর এই 8 বছর সময় তো দূরের কথা, 4 বছরের মধ্যে তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা মনে করি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আজকে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী নিয়ে রাজনীতি করছেন, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব নিয়ে রাজনীতি করছেন, দেশের সুরক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছেন। এরা চাইছেন সেনাবাহিনীতেও তারা যেন তাদের নিজেদের লোকজনকে ঢুকিয়ে দিতে পারে। তার জন্যেই অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত আজকে